हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल से दो अलग अलग तरह के नाश्ते, जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, या फिर पीसीओडी, थायराइड में, या फिर वेट लॉस में आप इसको डाइट में भी यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं वेजिटेबल से भरे हुए मूंग दाल के छिले और अप्पे बनाऊंगी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप मूंग की दाल ली थी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप छिलके वाली मूंग दाल और आधा कप बिना छिलके वाली जो येलो वाली मूंग की दाल आती है उसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया था 5 से 6 घंटे के लिए, अच्छे से भीग जाए। फिर हम इसको मिक्सी जार में डाल के आधा आधा दो बार हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैंने आधा इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिली इसमें डाल दी है, 2 अदरक के टुकड़े और 3 मैंने यहाँ पे गार्लिक दी है। उसी के साथ में मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना दही का यूज़ कर रही हूँ। आप बिना दही के भी ये बना सकते हो पानी डाल के। तो अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको ग्राइंड करना है, या फिर दही का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो। तो दोनों हमने आधा आधा करके इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। तो वेजिटेबल में मैंने यहाँ पे टमाटर लिए है, प्याज ली है, स्वीट कॉर्न लिया है, कैप्सिकम लिया है और फ्रेश धनिया लिया है। तो आपको वेजिटेबल जो भी पसंद है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा हम ज़ीरा डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मसाले का यूज़ नहीं किया है। आप इसमें चाहे तो कोई भी एक्स्ट्रा जो खड़े मसाले है उसका यूज़ करना है तो आप इसमें कर सकते हो, किचन के कोई भी मसाले का, धनिया पाउडर है वगैरह। और अच्छे से इसको फेंट लेंगे इस तरह से। तो आप मूंग दाल बहुत ही हेल्दी होता है, तो बच्चे ऐसे ही वेजिटेबल नहीं खाते हैं। तो आप इस अलग अलग वेराइटी से बना के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये नाश्ता दे सकते हो। फिर हम इसमें 1/4 टेबल स्पून जितना इनो डाल देंगे ताकि अच्छे से फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। तो अच्छे से इसको एक बार ऐसे ही मिला देंगे। और जैसा ही हमें इनो डालना है उससे पहले हमें अप्पे पैन पहले से ही गर्म करने के लिए रख देंगे। तो पहले मैं अप्पे बना रही हूँ। तो पैन मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इनो डालने के बाद हम तुरंत ही इसके अप्पे बनाएंगे। तो आप सारे अप्पे ही बनाने वाले हैं तो 2 पार्ट में आप डिवाइड करके आधे आधे में इनो डाल के आप बना सकते हो। तो 1-1 टेबल स्पून हम इसमें अप्पे पैन में डाल देंगे। फिर हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे और फिर इसको पलट देंगे इस तरह से चम्मच की मदद से। तो इस तरह से पलटा देंगे और ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है। तो इसको हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, वरना ये बाहर से एकदम ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा। तो इसको उलट पुलट करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें ऐसे अप्पे को रोस्ट करना है। और ये देखिए हमारे अप्पे अच्छे से फूल के रेडी हो गए हैं, ये देखिए इस तरह के। और इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ होता है, आप थोड़ा सा ऑयल में भी ये अप्पे आप बना के रेडी कर सकते हो। तो हमारे अप्पे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। तवा अच्छा गरम हो जाए फिर हम इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून बैटर इसमें डाल देंगे, इस तरह से फैला देंगे। तो एक साथ में मैं 3 से 4 जितने भी आएंगे उतने एक साथ में ही कर दूंगी छोटे छोटे, जैसे कि हम उत्तपम बनाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे छोटा इसका वर्धन बना के, छिला भी आप बोल सकते हो मूंग दाल का, वेजिटेबल से भरा बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है। तो बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और आप ऊपर से इसमें चीज़ या पनीर भी डाल सकते हो। आपको पनीर वाले पसंद है तो पनीर डाल सकते हो, चीज़
पसंद है तो ऊपर से आप चीज़ भी ग्रेट करके बच्चों को दे सकते हो। और पिज़्ज़ा जैसा भी आप इसको बना के ऊपर से टॉपिंग करके भी बच्चों को दे सकते हो, वो भी बहुत ही हेल्दी हो जाता है और बच्चों को खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो आप कोई भी तरीके से आप इसको बना के बच्चों को दे सकते हो या फिर अपने डाइट में भी आप इसको खा सकते हो। PCOD, थायरॉइड हो या फिर वेट लॉस करना है तो भी आप इसको अलग अलग कोई भी वर्जन में बना के एंजॉय कर सकते हो। और इसको भी हम दोनों साइड से उलट पुलट करके अच्छे से सिकने तक हम इसको सेक लेंगे। और ये देखिए हमारा मूंग दाल का छिल्ला भी बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप इसको दही के साथ या भी कोई भी चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ या फिर नारियल की चटनी के साथ बना के एंजॉय कर सकते हो। और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही कम ऑयल में बनके रेडी हो जाता है। तो एक बार से ज़रूर से ट्राई करना, ये मूंग दाल के अप्पे और छिला बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है।